गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। मैं शीनम रहेजा आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल के ऊपर। बच्चे, हमने 1000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज डे 5 है। इस चैनल के ऊपर आपको 1000 एमसीक्यूज दिखेंगे, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है। ये आपको जितने नीचे एग्जाम्स लिखे हुए हैं, सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। हमने मास्टर कैडर का एक बैच स्टार्ट किया हुआ है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम है। इसका बच्चे बैच नंबर 2 की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस बैच को कवर करने के लिए, वो इस मतलब इस हमारे बैच में एनरोल हो, ताकि आप हमारे साथ एक जर्नी स्टार्ट कर पाए। और फिर एक बैच और है हमारी वेबसाइट पर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। इसकी बच्चे क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी, ठीक है। जो स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर जाके। ये हमारी ऐप है इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट, जो आपको इजीली एंड्रॉयड फोन्स पर प्ले स्टोर में जाकर आप फाइंड करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगी, इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। ये मेरा यहाँ नाम लिखा हुआ है, येलो कलर का लोगो है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको बैच परचेज करना है। चलिए बच्चे, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ पामेला। पामेला का सबटाइटल क्या था? ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, बार बार बोलती रहूंगी कि सबटाइटल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पामेला किस राइटर का था, ये आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में बताएं, पामेला किसका है। चलिए, इसका आंसर ठीक आएगा वर्चू रिवॉर्डेड, ठीक है। वर्चू रिवॉर्डेड है जो पामेला का सबटाइटल है। जोसेफ एंड्रयूज बिगैन एज अ बर्लस्क ऑफ। जोसेफ एंड्रयूज में पैरेडी यानी कि बर्लस्क किस पे किया गया है, किस पे किया गया है बच्चे? आंसर क्या है? पामेला। पामेला किसका था, ये अभी तक आपने आंसर नहीं किया है, इसको कमेंट करिए। जोसेफ हु इज जोसेफ एंड्रयूज को एडवेंचरर, इसका साथी कौन था? ये एक पिकारेस्क नोवेल है, इसका इसमें एक साथी भी है जोसेफ एंड्रयूज का, वो कौन है, उसका नाम पूछा गया है। जिस पर्सन को, जिस स्टूडेंट को इसका फुल टाइटल मालूम है, फुल टाइटल पता है जोसेफ एंड्रयूज का, उसको को एडवेंचरर का नाम पता होगा, क्योंकि पूरे टाइटल में को एडवेंचरर का नाम दिया गया है। पार्सन एडम्स इसका सही आंसर है। बच्चे, जोसेफ एंड्रयूज किसका लिखा हुआ था? हेनरी फील्डिंग का, ठीक है। हेनरी फील्डिंग का ये आंसर आएगा यहाँ पर, ये अगर राइटर पूछा जाए तो हेनरी फील्डिंग, और जोसेफ एंड्रयूज का बर्लस्क पूछा जाए तो पामेला। जोसेफ एंड्रयूज जो इसमें कैरेक्टर है, उसका साथी कौन था पूरी ट्रेवलिंग में उसके साथ, वो था पार्सन एडम्स। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे आगे, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो 1794 वॉज रिटन बाय। इसकी ये डेट आपको याद रखनी है, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक गॉटिक नॉवल है, ठीक है। ये एक गॉटिक नॉवल है, तो अगर पेपर में ये चीज आ जाए, आपको अगर नाम ध्यान में होगा, कभी पेपर में ऐसा आ जाता है कि इन चार ऑप्शंस में से बताओ कि गॉटिक नॉवल कौन सा नहीं है, तो आपको अगर नाम पता होगा तभी आप उस चीज को ऑड वन आउट कर पाओगे ना। तो ये किसका वर्क था बच्चे? एन रेडक्लिफ का, ठीक है। एन रेडक्लिफ का वर्क था मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, और ये एक गॉटिक नॉवल है। कैसल ऑफ ओट्रांटो बाय होरेस वोलपोल। अब देखो, यहां पर नाम दे दिया गया है, होरेस वोलपोल का है, कैसल ऑफ ओट्रांटो है, डेट भी दे दी गई है, तो ये चीजें आप डायरी में लिखते रहा करो। ये भी एक गॉटिक नॉवल है, ठीक है। ये भी एक गॉटिक नॉवल है, कैसल ऑफ ओट्रांटो। रिचर्डसन्स पामेला इज अ। अब पामेला का यहाँ पे योनर पूछा है मैंने, ठीक है। अभी देखो, कभी कभी पेपर में योनर्स भी पूछे जाते हैं, इसी तरीके से आज ये सीरीज में आपसे ज्यादा योनर्स, सब टाइटल्स, फुल टाइटल्स, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब ये सैमुअल रिचर्डसन का है पामेला, जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया था, तो अब यहां से देख के वो कमेंट करो। ये कैसा नॉवल है, योनर क्या है इसका, क्या ये पिकारिस्क है? पिकारिस्क तो जोसेफ एंड्रयूज था। एपिस्लरी है, सेंटिमेंटल है, साइकोलॉजिकल है, तो इसका आंसर है एपिस्लरी। जिन बच्चों को एपिस्लरी का मतलब नहीं पता, वो यहां देख लो। इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग लेटर्स, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स लिख लो, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स की फॉर्म में होता है पूरा जो नॉवल है, लेटर्स के अंदाज में लिखा गया है। और रिचर्डसन ने ये पामेला जो लिखा था, इसमें पामेला है वो लेटर्स लिखती है अपने पेरेंट्स को, तो उसी को ही कॉपी करके उसने पूरा एक नॉवल बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। अब देखो, ये भी एक योनर है, ये एक नॉवल का योनर है, ये पिकारिस्क नॉवल है जो जोसेफ एंड्रयूज,
आंसर जोसेफ एंड्रूज आएगा. उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो कॉमिक एपिक इन प्रोज है. ठीक है, जोसेफ एंड्रूज का कॉमिक एपिक इन प्रोज. जो स्टूडेंट्स हमारा बैच परचेज कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम लिटरेरी टर्म्स कर रहे हैं, है ना. उन्हें पता है हमारी लिटरेरी टर्म्स की क्लासेस चलती हैं रोज, हमेशा 10-10 टर्म्स हम रूटीन में कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं ये टर्म करवाऊंगी उन्हें. ठीक है. फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल फ्राइड स्ट्राइफ, ये लाइन. अब देखो ये चीज भी मैं कहती हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट लाइन्स, इंपॉर्टेंट कोट्स जरूर आती हैं पेपर में. ये एक फेमस लाइन है, ये इतनी फेमस है कि यहाँ से एक किसी के नॉवल का नाम भी है, किसी राइटर ने अपने एक नॉवल का नाम भी दिया हुआ है. तो उस ये नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. ये किसका वर्क था, इसका जो राइटर है नॉवलिस्ट है उसका आप नाम मेंशन करेंगे, ये किसका वर्क था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. और इसकी डेट भी मेंशन करना क्योंकि इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है. तो ये वर्क, ये टाइटल किसका है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में से ये पोइम ली गई है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. और एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड किसकी है, इसका पोएट भी मेंशन करिए. चलिए, जो चीजें बोलती हूँ मेंशन करने के लिए करा करो बच्चे, आपके लिए बोलती हूँ. आपको लगता कि मैडम को आंसर नहीं आता, ऐसा नहीं है. मुझे आंसर पता है, मैं अभी के अभी आपको भी बता सकती हूँ, बट आप लोग आंसर करोगे तो इसमें आप ही का फायदा है. ठीक है, जो चीज कहती हूँ वो चीज किया करो. अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करना है तो अगर मैं बोलती हूँ नोट्स बनाओ, डायरी मेंटेन करो, रोज के एमसीक्यूज लिख लिख के देखो, रोज की टर्म्स याद करो, सुबह उठते ही सारे राइटर्स को एक बार उनकी बर्थ डेट, डेथ डेट, ये चीजें याद करो. ठीक है, जब तक रोज की रूटीन में आप उनकी डेट्स को एक नजर नहीं देखोगे तब तक आपको डेट्स याद नहीं होंगी. उनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं, उनकी ट्रिलोजीज हैं, पहली कौन सी थी, दूसरी, तीसरी, सीक्वेंस वाइज याद करना है आपको. चलिए, द किटकैट क्लब वॉज फाउंडेड बाय लीडिंग मेंबर्स ऑफ, किटकैट क्लब किसने फाउंड किया था, विग पार्टी वालों ने. विग पार्टी के जो मेंबर्स थे ये उनका क्लब था किटकैट क्लब. अब देखो जैसे ये एक क्लब है वैसे ही आयरिश लिटरेरी थिएटर है, वैसे ही मेटाफिजिकल पोइट्स है, यूनिवर्सिटी विट्स है, और बेन जॉनसन ऑफ बेंस है, और भी थे कुछ लाइक डार्क मूवमेंट राइटर्स कौन है, बीट जनरेशन राइटर्स कौन है, और गॉथिक नॉवल के राइटर्स कौन है. ठीक है, तो इस तरीके से जो ये मूवमेंट राइटर्स होते हैं ना, जिन्होंने कोई क्लब चलाया है या किसी मूवमेंट से वो बिलोंग करते हैं, जैसे कैवेलियर पोइट्स कौन थे. ठीक है, इस तरीके से भी आपको प्रॉपर एक लिस्ट मिलेगी जिसमें सारे पोइट्स के नाम दिए होंगे, और वो नाम आपको एक ट्रिक के थ्रू याद भी करवाए जाएंगे. ऐसा नहीं है कि बस नाम दे दिए, बल्कि उनकी एक पूरी स्टोरी लाइन बनवाऊंगी मैं, ताकि आपको वो स्टोरी लाइन याद हो, एक भी राइटर उसमें आपको मिस ना हो. क्योंकि पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये फॉलोइंग फोर राइटर्स हैं तो यूनिवर्सिटी विट बताओ कौन सा नहीं है, ये फॉलोइंग फोर राइटर्स हैं इसमें बताओ कैवेलियर पोइट कौन सा नहीं है, इसमें से सन ऑफ बेंस कौन सा नहीं है, इसमें से मेटाफिजिकल पोइट कौन सा नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं मूवमेंट्स के ऊपर, क्लब के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर. तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है. हार्ड वर्क करने के लिए मैं बैठी हूँ, मैं आपको सारा काम प्रोवाइड करूंगी बैच स्टूडेंट्स को, और आपको बस उनको याद करना है, ये इतना आपका काम है. ठीक है, ही सक्सीडेड थॉमस शेडवेल एज अ पोएट लॉरियट इन 1692. कल के क्वेश्चन में आया था रजे की थॉमस शेडवेल किसको लाइक गद्दी से उतार के खुद बैठे थे, लाइक ये ड्राइडन को. ड्राइडन 1688 में इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी थी पोएट लॉरियट की, और शेडवेल आकर बैठ गए थे. फिर शेडवेल की 1692 में डेथ हो गई. ठीक है, तो इसके बाद कौन आए थे, तो कौन आया था बच्चे, नाहम टेट. ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहले ड्राइडन, फिर शेडवेल, फिर नाहम टेट. इसी तरीके से नाहम टेट के बाद कौन आए थे वो भी हम आगे करेंगे. चलिए, द टेटलर बिगेन इन, पहले तो बताओ क्या ये आपने कभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा है, क्योंकि हमेशा टेटलर, स्पेक्टेटर, रैम्बलर, ये तीन जर्नल्स, तीन पीरियोडिकल एसेज इस तरीके से थे कि इन्होंने पेपर में आना ही आना है. तो ये तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक टेटलर था, एक स्पेक्टेटर है, और एक रैम्बलर है. तो टेटलर कब आया था, 1709 में. टेटलर किसका था, रिचर्ड स्टील का. ठीक है, किसका था ये, रिचर्ड स्टील का. इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पहले तो पूछ लेंगे कि इसका राइटर कौन था, फिर ये कब आया था, फिर रिचर्ड स्टील का था लाइक, तो ये कौन से डेज में आता था. ठीक है, मतलब ये अगर ये पीरियोडिकल ऐसे था, ये मतलब
वो संडे से लेके नेक्स्ट मंडे के बीच में 7 डेज में किस डे को टेटलर दिखाया जाता था, ठीक है? तो इसके डेज भी पूछ लिए जाते हैं कि वीक में कितनी बार आता था ये। चलिए, सुडोनियम ऑफ टेटलर्स एडिटर वॉज, अब टेटलर के एडिटर कौन है? रिचर्ड स्टील, मैंने बता दिया। अब मैंने ये चीज बोली थी कि आपको सिडोनियम की लिस्ट दी जाएगी, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें इन्होंने सिडोनियम मतलब कि अपने एक फेक नाम कौन सा रखा था? आइजैक बिकरस्टाफ, जो ये हमारे रिचर्ड स्टील है ना, इन्होंने सिडोनियम यूज किया था, आइजैक बिकरस्टाफ। और एक चीज और, अभी अगला क्वेश्चन ही है, देखो, रिचर्ड स्टील ने जो ये अपना नाम बोरो किया, आइजैक बिकरस्टाफ, वो किस राइटर के सिडोनियम से बोरो किया है? क्योंकि ये जोनाथन स्विफ्ट है ना, जो ये जोनाथन स्विफ्ट का सिडोनियम था ये, ठीक है? ये जोनाथन स्विफ्ट का सिडोनियम था, आइजैक बिकरस्टाफ। ये सिडोनियम को कॉपी किया था रिचर्ड स्टील ने अपने द टेटलर में, तो उन्होंने भी अपना सिडोनियम रख लिया था, आइजैक बिकरस्टाफ। तो ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों का ही आइजैक बिकरस्टाफ आंसर आएगा, रिचर्ड स्टील का भी, जोनाथन स्विफ्ट का भी। इन हूज वर्जन ऑफ किंग लियर्स कॉर्डेलियाज लाइफ इज स्पेयर्ड एंड इज बीट ट्रोथ टू एडगर इन अ हैप्पी एंडिंग? लाइक जो कॉर्डेलिया का हैप्पी वर्जन, कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है किंग लियर में, जो शेक्सपियर का किंग लियर है, इसमें दिखाया गया कि किसका किंग लियर ऐसा था, किसने किंग लियर दोबारा लिखा जिसमें उसने किंग लियर की हैप्पी एंडिंग दी? तो वो उसका आंसर क्या आएगा? नाहम टेट, जो अभी अभी हमने रीड किया है कि शेडवेल को गद्दी से उतार के, लाइक शेडवेल की डेथ हो गई है तो उसके बाद नाहम टेट बैठे हैं पोएट लॉरिएट की सीट पे, तो नाहम टेट ने ही किंग लियर की हैप्पी एंडिंग दी थी। तो ये जब हमारे सिलेबस में अगर शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर के ऊपर ये क्वेश्चन है कि शेक्सपियर की जो किंग लियर की हैप्पी एंडिंग दी है वो किसने दी है? नाहम टेट ने। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये शेक्सपियर से रिलेटेड है और शेक्सपियर आपके सिलेबस में है। फिर से आ गया वैसा ही क्वेश्चन, द स्पेक्टेटर वॉज फाउंडेड इन, स्पेक्टेटर नाम का जो पीरियोडिकल ऐसे था वो किसने दिया था? 1700 फाउंडेड इन, ये कब कब आया था? ये 1711 में, ठीक है? ये कब आया था? 1711 में। वो पीछे वाला 1709 था ना, हाँ, ये ध्यान रखना है, टेटलर 1709 था और 2 साल बाद स्पेक्टेटर आया था 1711 में। चलिए बच्चे, जिन लोगों को, स्टूडेंट्स को हमारा बैच पसंद आ रहा है, हमारा करवाने का तरीका पसंद आ रहा है, वो एक बार फिर से यूट्यूब पर जाकर डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। और हमारी जो फी है वो 6500 है। और भी जिनको कुछ क्वेश्चंस हो वो इन 2 फोन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और बैच में एनरोल हो सकते हैं। चलिए, एम जी लुइस वॉज ऑल्सो नोन एज, एम जी लुइस है जो, उनका पूरा नाम पहले तो बताओ मुझे कि इनका फुल नेम क्या था, ये एक्रोनियम्स यूज किए गए हैं, इनका फुल नेम बताइए, और फिर इनको किस नाम से जाना जाता था? मैट लिविस, मैक लिविस, मैग लिविस और मंक लिविस। तो क्या आंसर आएगा इनका? ये मंक लिविस के नाम से जाने जाते थे, एम जी लिविस, ठीक है? इनका नाम मैथ्यू समथिंग है, मैथ्यू, MTTHEW, मैथ्यू। फिर जी से है ग्रे, ये वाला आप आगे पूरा करो, ग्रे आगे क्या है? मैं चीजें इसलिए ब्लैंक में छोड़ती हूँ कि आप कोशिश करो, मैथ्यू ग्रे लुइस, तो ये ग्रे को कंप्लीट करो, ग्रे पूरा नाम क्या था? चलिए, लिरिकल बैलेट्स केम आउट इन, लिरिकल बैलेट्स कब आया था? आपके सिलेबस में रोमांटिक एज भी है, वर्ड्सवर्थ भी है, एसटी कॉलरिज भी है, उन्होंने ही लिरिकल बैलेट्स लिखा था। तो ये कब आया था राजे? 1798 में। लिरिकल बैलेट्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने वर्जन ऑफ पोइम्स हैं इसमें, पहला पार्ट कब आया, दूसरा पार्ट कब आया, तीसरा लाइक एडिशन कब आया, फाइनल एडिशन कब आया, इसका नाम किसने सजेस्ट किया, इसमें थीम क्या है पोइम्स का, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लिरिकल बैलेट्स के ऊपर भी, ठीक है? तो ये पहली बार कब आया था? 1798 में। द फर्स्ट पोइम इन लिरिकल बैलेट्स, पहली पोइम कौन सी थी? ये सारे ही पोइम्स लिरिकल बैलेट्स में हैं, बट पहली पोइम कौन सी थी? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि एसटी कॉलरिज की थी ना, वो पहली पोइम दिखाई गई है लिरिकल बैलेट्स में। और इसमें एसटी कॉलरिज की 4 ही पोइम्स हैं, बाकी सारी पोइम्स वर्ड्सवर्थ की हैं, और 4 ही पोइम्स एसटी कॉलरिज की हैं, जिसमें कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो पहली कविता है वो एसटी कॉलरिज की जो है वो लिरिकल बैलेट्स की पहली कविता है। लिरिकल बैलेट्स कंक्लूड्स विद, मतलब लास्ट पोइम कौन सी है लिरिकल बैलेट्स की? तो क्या आंसर आएगा? टिंटन एबे। बच्चे, टिंटन एबे का ना फुल टाइटल बहुत बार पेपर में आता है, इसकी डेट भी पूछी जाती है एग्जाम में,
ठीक है। और टिंटन एबे कहाँ पर था, लोकेशन भी इसकी पूछी जाती है कि कौन से रिवर के ऊपर था ये। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको करना है, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वॉटर वॉटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अभी अभी राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर की हम बात कर रहे थे, जो कि पहली कविता थी लिरिकल बैलेट्स की, उसी में से ही ये इतनी प्यारी लाइन ली गई है, वॉटर वॉटर एवरीवेयर। तो ये लाइन कहाँ से थी, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर से। तो ये चीज देखो, इसमें कौन सी वो है एलिट्रेशन, इसमें एलिट्रेशन है डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ये रिपीट हो रहा है, व व की साउंड, वॉटर वॉटर एवरीवेयर, तो व व ऐसे रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे भी ड ड ड रिपीट हो रहा है, ये क्या हो गया एलिट्रेशन। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरियट इन, अब देखो ये लॉरियट कब बने थे, 1843 में, ठीक है। बीए कब बने थे, 1843 में। पीछे हमने क्या क्या कर लिया, 1668 में बने थे ड्राइडन, 1688 में ड्राइडन ने छोड़ दिया, और कौन बैठ गया, शेडवेल, शेडवेल ने छोड़ा 1692 में, कौन बैठ गया, नाहम टेट। और अभी हम 1800s की बात कर रहे हैं, तो 1843 में कौन आया था, वर्ड्सवर्थ। 1850 तक बैठे थे ये, तब आ गया था कौन, टेनिसन, ठीक है। इतना मैं यहां तक बता रही हूँ, फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम ड्राइडन से फिर से शुरू हो जाएंगे एक सीरीज में, ताकि आपको सारी डेट्स याद हो। चलो, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये कॉलरिज का बहुत फेमस वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल है कुछ सेंस में, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज पब्लिश्ड इन, इसकी डेट बतानी है 1817, ठीक है। यही वो बुक है जिसमें उन्होंने फैंसी एंड इमेजिनेशन को बताया था, ठीक है। यही बुक है जिसमें उन्होंने फैंसी एंड इमेजिनेशन को बताया था, कि ये दोनों टर्म्स होती हैं, फैंसी एंड इमेजिनेशन। द वेवरली नॉवल्स एसोसिएटेड विद, अब देखो वेवरली नॉवल्स, इस तरीके से क्वेश्चंस भी बनते हैं। वॉल्टर स्कॉट आपके सिलेबस में है, तो वॉल्टर स्कॉट वेवरली नॉवल्स लिखा करते थे, ठीक है। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वॉल्टर स्कॉट आपके सिलेबस के भी हैं, और इनका एक स्टाइल था, इनकी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स नॉवल्स थी जिनको वो वेवरली नॉवल्स बोलते थे। द टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड वॉज चूजन बाय, द प्रिल्यूड किसका था, वर्ड्सवर्थ का, बट इसका टाइटल किसने दिया था। अब देखो ये चीज कितनी मतलब एक क्रिटिकल सी चीज है, कितना थोड़ा टिपिकल आंसर आएगा इसका, कि उनकी जो वाइफ है ना, उन्होंने वर्ड्सवर्थ की, तो तब डेथ भी हो गई थी, ठीक है, डेथ हो गई थी वर्ड्सवर्थ की, उनकी वाइफ ने इसका टाइटल दिया था द प्रिल्यूड। इससे पहले वर्ड्सवर्थ ने कोई भी टाइटल नहीं दिया था, ठीक है, अपनी पोइम को, अपनी कलेक्शन ऑफ पोइम को कोई भी टाइटल नहीं दिया था। इनकी डेथ के बाद पोस्टमसली इनकी वाइफ ने टाइटल दिया था द प्रल्यूड। चलिए, द प्रल्यूड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, यहाँ पर बुक्स बतानी है, कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, कितनी बुक्स का कलेक्शन है ये। तो आंसर क्या आएगा रजे, 14 बुक्स का, ठीक है। ये 14 बुक्स का कलेक्शन है जो द प्रल्यूड है, जो इनकी वाइफ ने टाइटल दिया था, ये वर्ड्सवर्थ का वर्क था। चलिए, अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो बच्चे ये एक छोटी सी पिक है जो मैंने बनाई है आप लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। सो फाइनली यू आर एट द राइट प्लेस, इन फ्रंट ऑफ योर राइट कोच, गोइंग टूवर्ड्स योर राइट डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा बैच 2 की सीट्स, हमने रजिस्ट्रेशंस खोल दी हैं, जिसमें हमने लिमिटेड सीट्स ही रखी हैं, क्योंकि हमारे पहले बैच में ही भी हम लिमिटेड सीट्स ही लेके आए थे। तो सीट्स जल्दी जल्दी फिल हो रही हैं, जो आप स्टूडेंट्स अभी तक वेट कर रहे हो अपनी मतलब एक अच्छी कोचिंग सेंटर को ढूंढ रहे हो, वो आपकी सर्च है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये आप हो, अपने हैप्पी हैप्पी फेसेस आपको मिलेंगे जब आप फाइनली हमारे साथ कनेक्ट होगे और हमारे साथ जर्नी शुरू करोगे इस ट्रेन में बैठ के, और अपनी जॉब को हासिल करोगे, अपनी लोकेशन पर एग्जैक्ट आप इस ट्रेन से उतरोगे, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करिएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब का हमारा चैनल लाइक करना, शेयर करना, और रेगुलर क्लास में आना। बच्चे कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तभी एग्जाम क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ाई कर ली, एक दिन छोड़ दिया, फिर कहीं घूमने चले गए, फिर आके बैठ गए। तो अगर आपको पिछला याद रखना है, रिटेंशन रखनी है माइंड में चीज़ों की, तो आपको क्लास रेगुलर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक अपना लेक्चर क्लोज कर रही हूँ। ये आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई अगर डाउट हो तो कॉल करने में हिचक मत करना, ठीक है। चलिए, ओके, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। गुड लक, बाय बाय।